सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि को पितरों का तर्पण करने का सबसे खास दिन माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को महालया अमावस्या या सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या, स्नान दान श्राद्ध अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। यह अमावस्या पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। इस दिन पितरों को तर्पण देते हुए उन्हें तरह तरह के पकवान बनाकर उन्हें तृप्त किया जाता है। परिजनों की सेवा भाव से प्रसन्न होकर पितृदेव पृथ्वी पर जीवित अपने परिजनों को आशीर्वाद देते हुए पितृलोक में प्रस्थान करते हैं। महालया अमावस्या पर भोजन बनाकर कौवे गाय और कुत्ते के निमित्त देकर ब्राह्मण को भोज करवाते हुए उन्हें दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर उन पितरों को तर्पण किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि मालूम ना हो या फिर किसी कारण से अपने पूर्वजों का श्राद्ध ना कर पाए हों, तो इस तिथि पर श्राद्ध किया जा सकता है। वहीं इस साल सूर्य ग्रहण रात्रि के समय लग रहा है और श्राद्ध कर्म दोपहर के समय किया जाता है, इसलिए इन कर्मों पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर आप सुबह में स्नान करें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद अपने पितरों को जल, तिल और सफेद फूल से तर्पण दें। तर्पण के समय कुशा की पवित्री धारण करें। उसके बाद पितरों को तृप्त करने के लिए सफेद वस्त्र, चावल, फल, धन आदि का दान करें। उसके बाद दक्षिणा अवश्य दें। दक्षिणा में कोई पात्र यानी बर्तन देना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन अगर पूरे मन से और विधि विधान से पितरों की आत्मा की शांति श्राद्ध किया जाए तो ना केवल पितरों की आत्मा को शांति होती है बल्कि उनके आशीर्वाद से घर परिवार में भी सुख शांति बनी रहती है। परिवार के सदस्यों की सेहत अच्छी रहती है और जीवन में चल रही परेशानियों से भी राहत मिलती है। धर्म ग्रंथों में सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। ये साल आने वाली 12 अमावस्या तिथियों में सबसे खास होता है। इस तिथि पर पितरों के लिए जल दान, श्राद्ध, तर्पण और पिंड दान करने से वे पूरी तरह तृप्त हो जाते हैं। इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। ये दोनों ग्रह पितरों से संबंधित हैं। इस तिथि पर पितृ पुनः अपने लोक में चले जाते हैं, साथ ही वे अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। किसी कारणवश आप अपने मृत परिजनों का श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि पर ना कर पाए तो सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, पिंड दान, तर्पण आदि कर्म कर सकते हैं। यह श्राद्ध पक्ष की अंतिम तिथि होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इस बार सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या 14 अक्टूबर को है। अगर आपने तिथि के अनुसार पितरों का श्राद्ध किया भी हो तो इस दिन भी श्राद्ध करना चाहिए। इस दिन पितृ पृथ्वी लोक से विदा लेते हैं, इसलिए इस दिन पितरों का स्मरण करके जल अवश्य देना चाहिए। जिन पितरों की पुण्य तिथि की जानकारी ना हो उन सभी पितरों का श्राद्ध सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या को करना चाहिए। श्राद्ध के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे पितृगण प्रसन्न होते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भोजन का कुछ अंश सबसे पहले किसी निर्धन व्यक्ति को, गरीब को अवश्य देना चाहिए। इससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त खीर जरूर बनाएं और सिंदूर से नारियल पर स्वस्तिक बनाकर हनुमान मंदिर में चढ़ाएं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या, स्नान दान श्राद्ध अमावस्या तिथि का प्रारंभ 13 अक्टूबर 2023 शुक्रवार की रात को 9:51 पर हो जाएगा, जो कि 14 अक्टूबर 2023 शनिवार की रात को 11:25 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। इस बार शनिवार के दिन सर्व पितृ अमावस्या होने से इसे शनिश्चरी अमावस्या, शनि अमावस्या का महासंयोग भी बन रहा है। मध्यान्ह व्यापिनी पूरे दिन व रात अमावस्या तिथि होने से 14 अक्टूबर 2023
शनिवार के दिन ही सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या मनाई जाएगी। अमावस्या के दिन आपको एक विशेष उपाय भी जरूर करना है। आपको एक दीपक पीपल के पेड़ के पास जला देना चाहिए। इससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं और सभी पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।